खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमवा भिटवा के पास बीती रात पुल के नीचे बाइक गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसकी पहचान धीरेन्द्र मिश्रा के रूप में हुई है। अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि किसी लड़की के द्वारा झूठी शिकायत की जा रही थी। महिला थाने में युवक को बयान लेने के लिए बुलाया गया था, जहां वह बयान देने के बाद लौटते समय घर नहीं पहुंचा और उन्हें जानकारी हुई कि सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। बीती रात्रि अम्बा के पास पुल के नीचे गिरने से युवक की मौत हो गई थी, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया था। आइए सुनाते हैं पूरी घटना को लेकर पीड़ित के भाई ने क्या जानकारी दी है। क्या घटना हुई है? तो कल यहाँ महिला थाना से महिला टीआई फोन की थी, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है, तुम आ जाओ और कुछ अपना ये बता दो। यहाँ वो एक 1.5 साल से वो कांटी में एक हरिजन महिला है, उनके खिलाफ रिपोर्ट करती रहती है, ऐसे आए दिन फॉल्स रिपोर्ट करती है, परेशान करवाती रहती है। तो वो उसका जो जांच पास कागज पाथर से पूरा लिए अपना पर्स में यहाँ आया था, यहाँ से शाम तक वहीं ही रह गया। फिर अपनी खरीदी कैंप चल रहा था, उसमें ही उसके लिए स्टीकर लेने सोसाइटी के लिए टैग वैग लेने के लिए गया था, वहाँ से घर चला जा रहा। तो ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पर है? ये अम्बा बिटवा मोड़ क्या बोलते हैं, वहाँ पुलिया जहाँ बन रही। क्या मृतक का नाम क्या है? धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। कितने साल के होंगे? लगभग लगभग 40 साल। अकेले आ रहे थे टू व्हीलर से? अकेले जा रहे थे। कितने बजे घटना है ये? ये लगभग 9 बजे के बाद एक घटना है, 9:15 बजे हमसे बात हुई है उससे। मैं बोला कि आप ना आओ, अगर ठंडी ज़्यादा है वहीं रुक जाओ, अपना घर है मैदान में वहीं रुक जाओ। तो वो सोचा होगा वहाँ काम ज़्यादा है तो निकल जाएंगे। चोराटा थाना पुलिस वुलिस भी आई थी? नहीं, हम नहीं थे वहाँ इस पार्ट में, हम तो गाँव में थे अपने केंद्र में। हमको वहाँ खबर मिली तो वहाँ से आए। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट, और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.